दो साल की वर्षगांठ मना रही है। तमाम मंत्री अपने विभागों का लेखा जोखा दे रहे हैं। इसी सिलसिले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी दिनेश डांगी ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। राजस्थान सरकार को दो साल पूरे हो चुके हैं। मीडिया हो, पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर वर्ग सरकार के कामकाज का आकलन अपने हिसाब से कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री एवं पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा अपनी सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं, ये हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप अपने सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं दो साल? देखिए, दो साल में पहला साल तो हमें जो विरासत में युवाओं का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ था, किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थे, व्यापारी परेशान थे, वित्तीय कुप्रबंधन भी छोड़ के गए थे, तो ऐसे हालात में उसको सुधारने में समय लगा। और दूसरी साल में कोरोना आ गया, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने जो वादे जनता से किए थे, जो घोषणा पत्र था, उसमें से 50% से अधिक वादे पूरे किए हैं। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सभी क्षेत्रों में काम किया, किसान के कर्जे माफ करने का काम किया, पानी की योजनाएं लाने का काम किया, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का काम किया, जो नौकरियां उलझा के गई थी भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में, उसको निकालने का काम किया। आप देखिए, थर्ड ग्रेड के 26,000 पद जो कोर्ट में उलझे हुए थे, उनको नियुक्ति देकर के स्कूलों में उतारने का काम किया। फिर प्रधानाध्यापक की भर्ती पूरी कराई हमने, पीटीआई की भर्ती पूरी कराई, सेकंड ग्रेड के 9,000 से अधिक की भर्ती को पूरा कराया, व्याख्याता की परीक्षा करवा करके वहाँ पर अब डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। तो तकरीबन 40-45 हज़ार शिक्षकों की शिक्षा विभाग में नियुक्ति और 80,000 के लगभग टोटल नियुक्तियां, सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। और कोरोना काल में बेहतर इंतजाम किए, जिसके कारण से देश और दुनिया में राजस्थान की सरकार की तारीफ हुई है। तो ऐसे में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया दो साल में, और सभी वर्गों को साथ लेकर के सरकार चली। ब्यूरोक्रेसी का आपका अनुभव क्या कहता है, क्यों कई विधायक के साथ आमजन ने भी उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, और आप पीसी चीफ है, कई अहम फैसलों में आपकी भी राय ली जाती है, ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली को लेकर थोड़ी सरकार की छवि खराब हो रही है? देखिए, सरकार में ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। जब दोनों ठीक तरीके से काम करेंगे तभी गुड गवर्नेंस हो पाएगा। तो शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन शिकायतों में कितनी सत्यता होती है, कितनी सत्यता होती है, वो तो प्रत्येक प्रकरण पे अलग अलग उसके ऊपर बात हो तब पता चलता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरे जनप्रतिनिधियों को कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ हो तो आप सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात लिख करके दें, तथ्यों सहित दें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आप दे सकते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने स्तर पर एग्जामिन करवा करके मुख्यमंत्री जी से अभिशंसा करेगी। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि मिलकर के जनता की सेवा करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और किसी भी सरकार के लिए लोकप्रिय सरकार वही कहलाती है जो दोनों पक्षों को साथ लेकर के प्रदेश का विकास करती है। कल फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि ये सरकार अस्थिर है, कभी भी गिर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष की भूमिका में है, वो प्रतिपक्ष की भूमिका राजस्थान में नहीं निभा रही है। केवल दो कामों में वो लगी हुई है, एक तो अपनी ही पार्टी के बड़े चेहरे को मिटाना चाहती है, और दूसरा लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार जिसमें 200 में से 123 विधायक जिसके साथ में हो, उसको गिराने का षड्यंत्र कर रही है। तो ये केवल मात्र अर्जुन मेघवाल जी वगैरह मुख्यमंत्री का खेल खेल रहे हैं। 8 ऐसे नेता हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश की जनता ने 25 में से 25 सांसद दिए हैं, 3-4 मंत्री भी बने हैं। उनको चाहिए कि राजस्थान प्रदेश के लिए जनता के वादों के मुताबिक उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वहां से प्रोजेक्ट लेकर के आए। आप जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, 1 रुपया ला नहीं पा रहे हैं, और अर्जुन मेघवाल जी भी मंत्री हैं, कैलाश चौधरी जी भी मंत्री हैं, और आज किसानों के साथ में क्या किस तरीके का व्यवहार केंद्र की सरकार कर रही है, किस प्रकार से 3 काले कानून लेकर के आई है। हम उन कानूनों के से जो विपरीत प्रभाव किसानों का पड़ने वाला है उसको रोकने के लिए कानून ला रहे हैं, उसको आगे पास नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो इनकी जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष की और केंद्र सरकार में बैठे की बड़ी बड़ी योजनाएं ला करके प्रदेश की जनता को देने की, वो काम तो कर नहीं रही है, और केवल बयानबाजी, ट्विटर वार, और नेता, प्रतिपक्ष नेता और उपनेता पता नहीं क्या क्या किस तरीके के बयान देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और सरकार अच्छा काम कर रही है। 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने, अभी से क्या तैयारियां शुरू कर दी, और काफी क्योंकि सियासी नजरिए से भी अहम रहेंगे परिणाम, क्या कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी उनको लेकर? देखिए, 3 में से 2 हमारी पार्टी के विधायक थे, तो निश्चित रूप से
वहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो भी विधायक चुनाव लड़ेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे चुनाव में भी हम लोग जीतेंगे क्योंकि हमने बेहतर कोरोना प्रबंधन किया है, काम किए हैं, इसलिए संगठन की दृष्टि से हमने वहां पर अपनी गतिविधियां चालू कर दी हैं, जिससे हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जाकर के और हम चुनाव जीतने वाली स्थिति में हैं। भारतीय जनता पार्टी तो केवल ट्विटर पे खेलती है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी फील्ड में नहीं है। करीब 6 माह हो गए संगठन में, आप अकेले कैप्टन है, अब उम्मीद है दिसंबर आखिर तक नई कार्यकारिणी बन जाएगी, और क्या स्वरूप रहेगा, क्या छोटी रखेगी या जंबो होगी? हम छोटी कार्यकारिणी बनाएंगे फिलहाल, और अभी दिसंबर के माह में हमने एक्सरसाइज पूरी कर ली है तो निश्चित रूप से जल्दी बनाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सरकार में उसके काम कराना, संगठन का सत्ता से तालमेल कराना, किस तरह इस भूमिका को आप अदा कर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पे हम लोग सरकार में आए, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता की जो भावना है, उसके जो व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक काम हो, वो सत्ता और संगठन दोनों को करने पड़ेंगे, और वो करेंगे तभी कार्यकर्ता खुश रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी हम बखूबी निभाएंगे और अच्छे तरीके से जो भी सुझाव हमारे पास कार्यकर्ताओं से आएंगे वो सरकार को देंगे और सरकार उसके हिसाब से काम करेगी। गोविंद डोटासरा का दावा कि सरकार ने 2 साल में बेहतरीन कामकाज किया है, भाजपा महज बयानबाजी तक सीमित है, वो धरातल पर जाके नहीं देखते, इसलिए उन्हें काम नहीं दिख रहा है, तो कार्यकर्ता कई मदद लेंगे और उसकी भी सरकार सुनेगी और दोनों तालमेल से बेहतर काम करेंगे आने वाले 3 सालों में, ये कहना है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर।